कांग्रेस के हरियाणा से 7 वायदे पक्के इरादे। हरियाणा में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इसे संकल्प पत्र कांग्रेस ने नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा जनता के सामने खोल दिया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां जारी की हैं, जिसमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों और किसानों का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। हर एक वर्ग को लुभाने की कोशिश कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया गया, 7 बड़े वादे किए गए, पक्के इरादे नाम से गारंटी जारी की गई। कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से 7 बड़े वादे किए हैं, जिसमें हर एक वर्ग पर खास तौर से फोकस रखा गया है। कांग्रेस की ये गारंटी जनता को कितना पसंद आती है, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब साफ हो जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस ने जिन 7 गारंटियों को शामिल किया है उसमें क्या क्या है, एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले महिलाओं को शक्ति। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आधी आबादी का पूरा ध्यान रखा है। अपने संकल्प पत्र में उन्होंने हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा किया, साथ ही गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए देने का भी वादा किया है। सामाजिक सुरक्षा को बल। बढ़ावा पेंशन के लिए 6000 रुपए, दिव्यांगों को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा, विधवाओं को 6000 रुपए महीने देने का वादा, साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का भी वादा किया गया है। युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2,00,000 पक्की भर्तियां और नशा मुक्त हरियाणा का वादा कांग्रेस ने यहां के युवाओं से किया है। हर परिवार को खुशहाली। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली और 25,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का बड़ा वादा किया है। गरीबों को छत। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों को 100 गज का प्लाट, 3,50,000 रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान देने का वादा किया है। किसानों को समृद्धि। हरियाणा के किसानों के लिए MSP की गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा देने का वादा कांग्रेस ने दिया है। पिछड़ों को भी अधिकार। कांग्रेस ने पिछड़ों को अधिकार देने की बात अपने संकल्प पत्र में कही है। पार्टी ने जातिगत सर्वे का वादा किया, क्रीमी लेयर की सीमा 10,00,000 रुपए तक बढ़ाने का वादा किया है। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के साथ वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार हरियाणा में वही सरकार बनाने जा रही है। वहीं BJP भी दावा कर रही है कि इस बार वह रिकॉर्ड तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पे काबिज होगी। घोषणा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेश किया। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज दिल्ली में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की महत्वपूर्ण गारंटियों की घोषणा पहले ही कर चुके थे, जिसमें 500 रुपए में सिलेंडर, 2,00,000 युवाओं को नौकरी प्रदान करना, बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए देना अन्य चीजें शामिल है। इन घोषणाओं के अलावा कांग्रेस MSP के लिए कानूनी गारंटी और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा समेत कई अहम ऐलान आज के घोषणा पत्र में कर चुकी है। बहरहाल देखना ये होगा कि जनता कितना विश्वास दिखाती है कांग्रेस के इस घोषणा पत्र। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन। स्वागत करें।